हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ और रोज़ दिन की तरह मेरा जो ब्लॉग है वो सुबह से स्टार्ट हो चुका है और मेरा दिनचर्या जो शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी लगभग मॉर्निंग का बज रहा है 6:30, इतना ही टाइम हो रहा होगा और इसी टाइम से मैंने जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे से मेरा वीडियो स्टार्ट है फ्रेंड्स। और अभी मेरा जो सुबह का जो काम होता है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं लगाती हूँ अपने घर की झाड़ू, जो कि हमें सबसे पहले करना ही चाहिए। और मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स आप सभी को, मैंने कुछ अपने जो है रूटीन में चेंज किए हैं वो मैं धीरे धीरे आप सभी के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी जो है मेरा ये मानना है कि आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और नहीं चाहो तो कुछ भी नहीं है। मेरा जो ये झाड़ू टाइम है ना, ये सबसे लास्ट में हुआ करता था पहले। लेकिन थोड़ा सा जब मैंने रूटीन चेंज किया और मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये काम कर सकती हूँ। जैसे कि मेरे ससुराल वाले ब्लॉग आप लोग देखे होंगे, तो मेरे ससुराल का नियम कुछ अलग ही है। वहाँ पर पहले झाड़ू पोछा साफ़ सफाई होता है, देन उसके बाद किचन का काम शुरू होता है। तो मैंने सोचा कि मैं जब ससुराल में कर सकती हूँ, इतना सारा मतलब इतना बड़ा घर है, इतना सारा लोग है, इतना सारा काम होता था वहाँ पर, आप सब देखते ही थे मेरे ब्लॉग्स को, तो यहाँ तो हम तीन लोग ही हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती मैं। तो फ्रेंड्स, मैं जब यहाँ आई तो मैंने शुरू से ही अपने अंदर ये आदत डाली कि नहीं, मैं सबसे पहले उठने के बाद अपना फ्रेश अप वगैरह होने के बाद और कबूतरों को दाना वगैरह जो देने के बाद मैं सबसे पहले अपने घर का झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं कोई काम करूंगी। और ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह जितना जल्दी घर की में झाड़ू लग जाए, जितना घर जल्दी मॉर्निंग में घर में झाड़ू लग जाए और सफाई हो जाए, उतना उस घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। तो ये बात किस किस को पता है और सही है या गलत है, ये मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस अपनी उन्हीं छोटी छोटी आदतों को पूरी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ और अपनी जो हाउस वाइफ होने की जो जिम्मेदारी है वो उसको मैं अच्छे से निभा सकूं, पूरी कोशिश होती है फ्रेंड्स ये। हालांकि आसान नहीं होता है, बहुत कठिन है, लेकिन हम चाहें तो कर सकते हैं। तो बस अभी यहाँ पर जो है मेरा मॉर्निंग का झाड़ू और डस्टिंग वगैरह जो सुबह का होता है वो हो गया। इधर मैं किचन में आई, उसके बाद तो किचन की सारी साफ़ सफाई मैं रात को ही करके सोती हूँ। पहले भी ब्लॉग में कई बार बता चुकी हूँ, इससे मॉर्निंग में बहुत फ़ायदा होता है। आपका सुबह किचन फ्रेश देखकर मूड भी फ्रेश होता है और किचन साफ़ रहती है तो आपका 10-15 मिनट का समय भी बढ़ता है। 10-15 मिनट का मतलब आधे घंटे का समय बच जाता है। किचन पूरी साफ़ करना, बर्तन वगैरह सब, तो आधा घंटा तो चाहिए ही चाहिए, वो सारा टाइम आपके पास बच जाता है। तो यहाँ पर सारा साफ था, बस मैंने गीला कपड़े से पोछा किया और उसके बाद मैंने एक तरफ रख दिया है चने बॉईल होने को, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं आलू चने की सब्जी। साथ में मैंने ब्रश कर लिया था, साथ में मैंने चाय रख दी थी। और फ्रेंड्स, आज मेरे घर में दूध नहीं था, दूध ख़त्म था। तो रात इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हस्बैंड दूध लाए ही नहीं, मैंने जाने ही नहीं दिया उन्हें बाहर, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने कहा नहीं, एक दिन ऐसे ही चल जाएगा, तो चलता है कभी कभी। तो सवेरे आज मैंने ब्लैक चाय ही पी, हस्बैंड तो पीते नहीं हैं, बेदू ने और मैंने ही पी, तो बेदू बिस्किट के साथ खा लेती है। और बस मैंने भी चाय पी ली और चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स किचन में। तो किचन में आने के बाद मैंने जैसे कि बताया कि बनाने हैं छोले, तो बस उसी के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मसाला वही है, लहसुन है, प्याज है और हरी मिर्च वगैरह, टमाटर वगैरह, उसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है और लौंग, इलायची, ये सब मैंने डालकर और अच्छे से पीस रही हूँ। देखिए फाइन पीस लूँगी इसको मैं। और मेरा जो चना है वो आलू चना मेरा बॉयल हो चुका है। और यहाँ पर मेरा ये जो मिक्सर जार है ना, बहुत छोटा सा क्यूट सा है। मेरी कई सारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली की फ्रेंड्स है जिन्हें बहुत पसंद आता है। तो मेरे इस छोटे से किचन के लिए मेरे पास दो है, आप सबको पता ही होगा जो पुराने फ्रेंड्स है मेरी, एक बड़ा भी मिक्सर जार है मेरे पास, वो मैंने रख दिया है फिलहाल। वो थोड़ा सा बिगड़ गया है तो उसको ठीक कराना पड़ेगा, वो बिगड़ा तभी मैंने इस छोटे वाले जार को निकाला था। तो ये क्यूट सा छोटी सी किचन के लिए मुझे बेस्ट लगता है मेरा यहाँ वाला किचन, छोटा सा, देख सकते हो आप, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, है ना, तो प्यारा सा है, छोटा सा। तो यहाँ के लिए मेरे को ये छोटा सा मिक्सर जार ठीक लगा, तो मैंने यहाँ इसी यही निकाला है। और अभी तो ज़्यादा कर कोई इसका यूज होता नहीं, सिर्फ मसाले वगैरह ही पीसते हैं, तो इनफ है। हाँ, मिक्सर जार के साथ एक चीज़ और मैं करती हूँ फ्रेंड्स, जब मैं मसाला पीसती हूँ तुरंत की तुरंत उस पर कपड़ा मारती हूँ, इससे जो है वो साफ़ सुथरा भी रहता है और ख़राब होने से बचता है। उसके बाद इधर मैं आ गई, कुकर खोल कर मैंने चने अलग कर दिए, आलू अलग कर दिए, इसमें मात्र दो आलू डाले थे मैंने और आलू बॉयल हो चुके हैं। सुबह बहुत जल्दबाजी होती है, भगदड़
फटाफट वाला काम होता है, जल्दी जल्दी खाना तैयार करना होता है, तो गरम आलू ही मैं छील रही थी और गरम गरम, तो फाइनली आलू मेरे छिल गए। मुझे थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि ठंडे होंगे तब छीलूंगी, मैंने कहा नहीं साथ में छील देती हूँ, तो जल्दी जल्दी छिल गए। ठंडियों का दिन होता है ना तब तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा गर्म आलू छीलना थोड़ा दिक्कत लगता है। तो यहाँ पर मेरा जो आलू वगैरह छिल चुका है, और यहाँ पर मैंने जो कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, उसमें मैंने जीरा डाला एक तेज़पत्ता डालकर, और उसमें मैंने जो पिसा हुआ मसाला था वो डाल दिया, और इसमें मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी होती है ना वो डाल दिया, और उसके बाद मैं अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पाउडर धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा ही मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला और नमक, बाकी कुछ इसमें मैं नहीं डालने वाली हूँ, छोला मसाला डाल दूँगी बस। ये मेरा छोले की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और काफ़ी दिन से ना बेदू बोली थी चने की सब्ज़ी, तो मैंने कहा चलो आज बना ही देती हूँ, तो देखिए वो फाइनली भी उठ कर आई हुई है और पूछ रही मम्मा क्या बना रही हो, तो मैं उसी से बातें कर रही हूँ कि बेदू आपकी फेवरेट सब्ज़ी बन रही है आज आलू चना। तो आलू बेदू को बहुत पसंद है, उसे मैं डेली भी फ्राई करके दे दूँ तो वो प्यार से खा लेती है, और साथ में चना भी वो खाती है, तो आज आलू और चना मिक्स बन रहा है, तो बेदू का फेवरेट सब्ज़ी बन रहा है। तो यहाँ पर आलू जो है ठंडे हो गए थे तो उनको मैंने मैश कर लिया, इधर मेरा मसाला जो है वो भी रेडी हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये चने, और चने डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फ्रेंड्स हाँ एक चीज़ और आप सभी से मैं कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को फुल वॉच किया करें जो भी आता है ब्लॉग्स पे, और एक लाइक ज़रूर किया करें, मेरा लाइक्स बहुत कम आता है, ऐसा ना करें। आप लोग ब्लॉग पे आते हैं तो आप लोग पहले लाइक करें फिर वीडियो को फुल वॉच करें। और एक चीज़ और आप सभी के साथ शेयर करनी है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच मेरी YT ऑल फ्रेंड्स मुझे इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए। मेरा जो है अभी 6K यानी 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, और ये फैमिली मेरी कंप्लीट हुई 7 जुलाई को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। मैं भी अपनी YT फैमिली के साथ पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मतलब धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं अपना बेस्ट यहाँ पर दे सकूँ, अच्छा से अच्छा ब्लॉग, अच्छी से अच्छी रूटीन आप सभी के साथ में शेयर कर सकूँ। इस जिम्मेदारी को मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ईमानदारी से और अच्छे से कर सकूँ। और मेरा सब्जी बन गया है फ्रेंड्स, आटा भी लगा के मैं रखा हूँ किचन में, और मैं आ गई हूँ बेडरूम में, तो बेडरूम में आकर आने का रीज़न मैं बताती हूँ कि सुबह से ऐसा ही मौसम हो रहा था और रात भी बहुत बारिश हुई, जैसे कि मैंने बताया आप सभी को, तो सुबह भी सडन एकदम से बारिश होने लगी जब हस्बैंड को ड्यूटी का टाइम हो गया, तब तो मैंने निकाला रेनकोट, क्योंकि रेनकोट डालकर वो जाएंगे, बारिश बहुत तेज़ थी, छुट्टी कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हम हस्बैंड मेरे पास 5-7 महीना छुट्टी पर थे, तो छुट्टी बिल्कुल नहीं कर सकते, और बहुत तेज़ बारिश थी, मुझे तो डर ही लग रहा था कि इतनी बारिश में कैसे जाएंगे, लेकिन वो आराम से चले गए थे। तो मैंने रेनकोट निकाल दिया कि फाइनली कम से कम गीला होने से तो बचेंगे, तो वही रेनकोट निकाली और इधर मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में, तो सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है देख सकते हैं आप, और अब मैंने रख दिया है तवा, और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ फ्रेंड्स। और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, जल्दबाजी में हूँ, जल्दी जल्दी बना रही हूँ, फास्ट कर रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा फास्ट भी नहीं हो पाता है, वीडियो मैंने फास्ट करी हुई तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना जल्दी जल्दी बेल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाई थी आलू चने की सब्ज़ी, तो सोचा कि बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठंडा है, तो क्यों ना मैं रोटी की जगह आज पराठा बना दूँ, पूड़ी तो ज़्यादा हैवी हो जाएगी, फिर मैंने कहा चलो पराठा ही बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो चौकोर पराठे होते हैं ना, बस वही चौकोर पराठे इस तरीके से मैंने सेक दिए थे, तो बस ये सब छोला हो या आलू छोले हो तो इस टाइप से, या राजमा हो तो ये इस तरीके से पराठा पूड़ी के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है, बारिश हो रही हो तब तो और भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैं अभी फटाफट से अपना जो है खाना कंप्लीट कर लूँगी और हस्बैंड को दे दूँगी, और इसके आगे का भी मैं ब्लॉग शूट करी हूँ, पूरा रूटीन मेरा शाम तक का शूट किया है मैंने, लेकिन एक ही ब्लॉग में पूरा कुछ ऐड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ब्लॉग जो है काफ़ी बड़ी हो जाती है और इतनी बड़ी वीडियो भी अभी हम छोटे यूट्यूबर्स की कोई देखता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बहुत मतलब रूटीन ही रूटीन मॉर्निंग का, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं कितना काम निपटाती हूँ इतना ही मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा खाना रेडी हो चुका है, फटाफट से हस्बैंड को दे देती हूँ, और अभी थोड़ा आटा और
बच रहा है इसे भी बनाकर मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ये था आज का थाली, फटाफट से देखिए मैं दे देती हूँ हस्बैंड को क्योंकि टाइम हो ही रहा था। अब वो फटाफट अपना मॉर्निंग का नाश्ता कर लेंगे और अपना निकल जाएंगे। और उसके बाद क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं जैसे खाना मॉर्निंग का बन गया तो मैं साथ के साथ सारे बर्तन खाली कर देती हूँ। कढ़ाई हो गया, तवा वगैरह, मतलब जितना भी जूठे बर्तन होते हैं बनाया हुआ और खाया हुआ, सब मैं खाली कर देती हूँ। खाली कर कर मैं सब सबेरे ही मैं मतलब साफ़ कर देती हूँ। तो सारे बर्तन मैंने खाली करके भिगो दिए हैं और ये देखिए हस्बैंड ने खाना खा लिया है मॉर्निंग का। और ये जब नाश्ता कर लेते हैं तो फ्रेंड्स मैं एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ। सबसे बड़ा काम और टास्क होता है मेरा सवेरे में टाइम से खाना रेडी करना, और बस ये नाश्ता कर लेते हैं तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और फ्रेंड्स बस यहाँ पर इनका खाना पीना हो गया है और यहाँ पर मैं लगी हूँ अपने किचन की सफाई करने। बस साथ के साथ ही मैं अपना चूल्हा, गैस और ये काउंटर वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद मैं धो लूँगी बर्तन। इससे आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ, अब तक बाय बाय।